बैक। बात शुरू करते हैं सिप रिस्पॉन्स कोड्स की। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि जी सिप सर्वर जो है कुछ कोड्स जो है वो रिस्पॉन्स कोड्स देता है ट्रांजेक्शन पे, और ट्रांजेक्शन पे वो कोड्स क्या देता है, किस तरह देता है, उसकी क्या साइंस होती है और रिस्पॉन्स कोड्स किस टाइप के होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जी सिप सर्वर रिस्पॉन्स क्या होते हैं। तो सिप सर्वर रिस्पॉन्स जो है यूज़र एजेंट सर्वर या सिप सर्वर कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, उस रिप्लाई में, उसके जवाब में जो रिक्वेस्ट उसको आती है क्लाइंट की तरफ से। यानी पहले भी हमने देखा है पिछले एपिसोड में कि क्लाइंट या एक यूज़र रिक्वेस्ट करता है और एक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करता है, वो रिक्वेस्ट जाती है सिप सर्वर के पास, और सिप सर्वर या यूज़र एजेंट सर्वर जो है वो क्या करता है, कुछ उसके रिप्लाइज जनरेट करता है, और वो रिप्लाइज के अंदर कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं। रिस्पॉन्सेज मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, जिसके अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि सिप सर्वर रिप्लाई करता है, जवाब में वो रिएक्शन देता है उस क्लाइंट को उसकी रिक्वेस्ट के जवाब में। अच्छा, ये जो जवाब होते हैं, ये जो रिस्पॉन्स होते हैं, ये बहुत बाजाबता से रिस्पॉन्स होते हैं, बाजाबता से जवाब होते हैं, ताकि जो रिक्वेस्ट आई है उसको जो है एंटरटेन करने के लिए होते हैं, और ये डिसीजन करता है यूज़र एजेंट सर्वर के जी एक बाजाबता तौर के ऊपर उस चीज़ को वो प्रिवेंट करे कि जो रिक्वेस्ट आ रही है यूज़र एजेंट सर्वर से और उसको जो जवाब है क्लाइंट का। अच्छा, उस वो जो रिस्पॉन्स होता है, वो जो जवाब होते हैं, जो तासुरात होते हैं, वो तासुरात किस तरह के होते हैं जो यूज़र एजेंट सर्वर क्लाइंट की तरफ भेजता है। उस तासरात में ये होता है कि चूंकि वो एक आईपी पैकेट होता है, तो उस आईपी पैकेट के अंदर वो एडिशनल हेडर की फील्ड इस्तेमाल करता है, और वो उस फील्ड जो है वो चाहिए होती है यूज़र एजेंट सर्वर को, और वो फील्ड्स के अंदर क्या चेंज होता है ये तो हमें पता ही है कि जी एक टीसीपी और यूडीपी पैकेट होता है, लेकिन वन टू वन जब रिक्वेस्ट आ रही होती है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, और ये खुद सिप जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, तो ये एप्लीकेशन लेयर के जो हेडर हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस करता है, या उस वो चेंजेस जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो सिप सर्वर जो है या यूएसी जो है यूज़र एजेंट सर्वर है, ये 6 किस्म के रिस्पॉन्स जो है वो जवाब में दे रहा होता है। 1xx से लेकर 5xx तक जो है वो रिस्पॉन्स होते हैं जो कि HTTP प्रोटोकॉल के होते हैं, वो उससे उधार लेता है, या HTTP प्रोटोकॉल के जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो फॉर्मल रिस्पॉन्सेज होते हैं, उन रिस्पॉन्सेज को इस्तेमाल करते हुए यूज़र की रिक्वेस्ट आती है, एक ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट आती है जो सर्वर के पास, तो ये HTTP प्रोटोकॉल के रिस्पॉन्सेज वो उसको वापस भेजता है। वो रिस्पॉन्सेज 1 से लेकर 5 तक वो रिस्पॉन्सेज होते हैं जो HTTP प्रोटोकॉल से मिलते जुलते नहीं होते, बल्कि उसी के ही होते हैं। उसके बाद जो छठा रिस्पॉन्स है यूएसी का या सिप सर्वर का, वो एक रिस्पॉन्स जो है नया मुतारिफ कराया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया सिप सर्वर के अंदर, और वो क्या है, जैसे कि यहाँ मेंशन भी किया है मैंने कि जी 1xx वाला जो रिस्पॉन्स है जो कि यूएसी सर्वर की तरफ से आता है क्लाइंट को, वो एक प्रोविजनल रिस्पॉन्स होता है, और उसके अलावा बाकी जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं वो एक फाइनल और स्टेटमेंट होती है, फाइनल रिस्पॉन्स होता है, लेकिन जो रिस्पॉन्स नंबर 1 है इसके अंदर कुछ प्रोविजन होती है कि कुछ ऊंच नीच हो सके, लेकिन उसके अलावा सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो फाइनल रिस्पॉन्स कंसिडर किए जाते हैं। अगला चलते हैं, अगली वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या मज़ीद नया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।